हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप घर पर सभी सेफ होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे अपने कंप्यूटर का हम टेक केयर कर सकते हैं, किस तरह से कंप्यूटर को फ्री कर सकते हैं उन मेमोरी फाइल से, उन फोल्डर से जो अननेसेसरी है। तो उसके लिए हमारे मेनली दो काम होते हैं, एक तो डिस्क को क्लीन अप करना, एक डिस्क को डिफ्रेगमेंट करना, हार्ड डिस्क को, सॉफ्ट डिस्क को, हमारी को डिफ्रेगमेंट करना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि डिस्क क्लीनअप क्या होता है, उसको हम स्टेप बाय स्टेप कंप्यूटर में कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन क्या होता है उसको हम कंप्यूटर में स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले, अगर स्टूडेंट्स आप मेरे चैनल पर नए हो या आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन जो सब्सक्राइब का आ रहा है आप उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बात करते हैं हम डिस्क क्लीनअप की। डिस्क क्लीनअप क्या होता है, देखिए हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, हम कुछ फाइलें जो अननेसेसरी होती है हमारी उनको हम डिलीट करते रहते हैं, लेकिन जब हम इंटरनेट एक्सेस करते हैं, कुछ नई फाइल्स को अपलोड वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो कुछ अननेसेसरी फाइल्स या फोल्डर्स हमारे कंप्यूटर में होते हैं जो हमारी डिस्क को फिल कर देते हैं, हमारी मेमोरी को फुल कर देते हैं। उसके लिए हमें अननेसेसरी फाइल्स को हमें क्लीन करना होता है, डिलीट करना होता है, तब हम यूज करते हैं डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप करने से जो अननेसेसरी फाइल्स होती है हमारी वो डिलीट हो जाती है, उनका एक्सेस रिमूव हो जाता है, वो मेमोरी स्पेस फ्री हो जाता है हमारा, नेक्स्ट किसी भी डेटा या फाइल को वो हम स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसके थ्रू हम डिस्क क्लीनअप कंप्यूटर में कर सकते हैं। डिस्क क्लीनअप करने के लिए सबसे पहले आपको देखिए स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक करना है, और स्टार्ट मेन्यू पर ये जो ऑप्शन आ रहा है रन का, यहां पर आपको लिखना है डिस्क क्लीनअप। टाइप कीजिए डिस्क क्लीनअप। जैसे ही आपने डिस्क क्लीनअप लिखा, देखिए टॉप में डिस्क क्लीनअप आ चुका है, आपको इसे क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, जो बॉक्स ओपन होता है इसे बोलते हैं हम डायलॉग बॉक्स। और जो डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है इसमें देखिए ये ड्रॉप डाउन बॉक्स आ रहा है, ड्रॉप डाउन बॉक्स में से आपको कौन सी ड्राइव क्लीन करनी है उसको सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। जैसे ही आपने ओके किया तो ये आपका कैलकुलेट करेगा कि हाउ मच स्पेस यू विल बी एबल टू फ्री, कि कितना स्पेस आप एबल है फ्री करने के लिए। तो देखिए ये कैलकुलेशन हो रही है, 2 से 3 मिनट लगे आपको कैलकुलेटिंग होने में, और उसके बाद ये डिस्क क्लीनअप 4C ड्राइव के लिए आपका डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। इसमें आपको ये सिलेक्ट करना है कि कौन सी फाइल्स आपको क्लीन करनी है, इनमें से जो सिलेक्ट करेंगे आप वो, जैसे मैंने कर दिया यहां पर टेम्परेरी इंटरनेट फाइल और रिसाइकिल बिन, ये सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करके आप ओके कर दीजिए। तो आपके पास ये आपसे पूछेगा रियल में आप परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं फाइल या नहीं। आपको अगर फाइल डिलीट करनी है तो डिलीट फाइल पर क्लिक कीजिए। देखिए ये क्लीनिंग स्टार्ट हो गई है, और कुछ सेकंड्स के बाद आपकी डिस्क की क्लीनअप हो जाएगी। तो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू डू डिस्क क्लीनअप। डीफ्रेगमेंटेशन ऑफ फाइल, देखिए डीफ्रेगमेंटेशन क्या होता है, मान लीजिए आपको स्कूल के लिए तैयार होना है और आपका ट्राउजर एक कमरे में रखा है, शर्ट आपकी दूसरे कमरे में रखी है, शूज आपके थर्ड कमरे में रखे हैं, इस तरह से सारी चीजें डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर रखे हुए हैं, ठीक है। उससे होगा क्या, आप स्कूल के लिए लेट होने के चांसेस हैं, एक चीज वहां से लाएंगे एक चीज वहां से लाएंगे, ये होता है हमारा डीफ्रेगमेंटेशन। डीफ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, कंप्यूटर में हम जब एक काम को कंटिन्यूस करते हैं तो हमारा जो प्रोसेसर है वो स्लो डाउन हो जाता है। उसमें होता क्या है, उसको एक पार्ट, एक फाइल का एक पार्ट एक दूसरी जगह से उठाना पड़ रहा है और दूसरा पार्ट हम दूसरी जगह से उठाते हैं। तो डीफ्रेगमेंटेशन में हम क्या करते हैं, सारा का सारा डेटा जो सेम फाइल का है वो एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो टाइम है वो हमारा सेव हो सके। तो ये होता है हमारा डीफ्रेगमेंटेशन, जब हमारा प्रोसेसर स्लो हो जाता है डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डेटा को उठाकर एक प्लेस पर रखना,
कुछ फाइलें ऐड करना, कुछ फाइलें डिलीट करना, कुछ मॉडिफाई करना, ये काम होता है हमारा डीफ्रेगमेंटेशन का। तो अब हम देखते हैं स्टेप्स जिनके थ्रू हम डीफ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं कंप्यूटर में। डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन करने के लिए देखिए स्टार्ट मेन्यू पर क्लिक कीजिए, यहाँ रन बॉक्स में लिखिए डिस्क डीफ्रेगमेंटर। देखिए यहाँ ऑप्शन आ गया है डिस्क डीफ्रेगमेंटर, आपने जैसे ही इस पर क्लिक किया एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इस डायलॉग बॉक्स में आपको सिलेक्ट करना है ड्राइव को जो आप डीफ्रेग करना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए डी ड्राइव को हम डीफ्रेग करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमने सिलेक्ट की। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ क्लिक कीजिए डीफ्रेगमेंट डिस्क। देखिए ये नीचे ऑप्शन आ रहा है डीफ्रेगमेंट डिस्क, आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये फ्रेगमेंटेशन स्टार्ट हो गई। इसमें फ्रेगमेंट हो नहीं रहा है क्योंकि जैसे ऑलरेडी फ्रेगमेंटेड है। अगर आपके लैपटॉप में नहीं हो रहा है तो आप वहां करके देखिए, डीफ्रेगमेंट करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है स्टॉप ऑपरेशन, स्टार्ट हो चुकी है फ्रेगमेंटेशन। कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है, 66% एनालाइज। ये जैसे ही 100, क्योंकि डीफ्रेगमेंटेशन टेक टाइम्स, ये टाइम लेता है डिस्क को डीफ्रेगमेंट करने में, तो आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह से आपका डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन हो जाएगा।